बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक 3 ऑफ साइंस फैक्टर। ओके, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 8। ठीक है, पेज नंबर 8, राइट डाउन क्लास वर्क एंड डेट। ओके जी, थर्ड हमारा टॉपिक है लंग्स। व्हाट द लंग्स डू? Your lungs are very important organs that help you to spread oxygen throughout the body and get rid of carbon dioxide. Carbon dioxide can be harmful to your body. ठीक है जी, lungs क्या है? Lungs जो है हमारे सांस लेने में और हमारी body के अंदर oxygen को spread करने में help करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये हमारी body को जो carbon dioxide नहीं चाहिए होती वो भी body से बाहर निकालते हैं। ठीक है, वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है ब्रीद इन और ब्रीद आउट का, ये लंग्स परफॉर्म करते हैं। देयर आर टू लंग्स, दे आर पोजिशन अराउंड द हार्ट। द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट लंग सो दैट इट फिट्स नियरली बिकॉज द हार्ट टिल्ट्स अ लिटल टू द लेफ्ट। ठीक है, क्यों? द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट लंग, क्यों? क्योंकि इस साइड पे हार्ट होता है इसलिए वो थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए ये दोनों जो हैं हमारे लंग्स, ये हमारे हार्ट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, द हार्ट एंड द लंग्स आर सो इम्पॉर्टेंट दैट दे आर प्रोटेक्टेड बाई रिब केज विच मेक इट वेरी हार्ड टू डैमेज दैम। ठीक है, हमारी जो हार्ट और लंग्स होते हैं ये रिब केज से प्रोटेक्ट हुए होते हैं। अगर आप बॉडी पे यहाँ पे हाथ लगा के अपनी बॉडी पे चेक करें तो यहाँ पे इस तरह की बोन्स आपको बनी हुई नज़र आएंगी। ठीक है, ये आपकी बॉडी में होती हैं, इनको हम कहते हैं रिब केज। ये अल्लाह ताला ने इसलिए बनाई हुई होती हैं कि जो आपका हार्ट है वो बहुत सॉफ्ट होता है और आपके लंग्स भी, ताकि किसी किस्म का अगर आपको यहाँ पे चोट लगती है तो आपके हार्ट और लंग्स कोई डैमेज ना हो। योर लंग्स गेट अ लॉट ऑफ यूज़ बिकॉज यू ब्रीथ इन अबाउट 10,000 liters ऑफ एयर एवरी डे। यानी कि आप डेली जो एयर यूज़ करते हैं, जो ब्रीद इन करते हैं, वो 10,000 liters होती है। ठीक है, दीज आर ह्यूमन लंग्स, इट इज़ ट्रैकी और विंड पाइप, जहाँ से जो हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं। जैसे ही हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारे जो लंग्स होते हैं ये फूल जाते हैं लाइक अ बेलून, ये बड़े हो जाते हैं, और जैसे ही हम ब्रीद आउट करते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। दीज आर ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड दीज आर लंग्स। ठीक है, आपने याद रखना है लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट लंग। व्हेन यू ब्रीथ इन योर लंग्स गेट बिगर एज दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। द ऑक्सीजन इज देन ट्रांसफर्ड इनटू योर ब्लड एंड पम्प्ड अराउंड योर बॉडी। आपको याद होगा कि हमने पीछे पढ़ा था ब्लड में, सॉरी हार्ट में, कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है और वहाँ से कहाँ जाता है? लंग्स में, टू रिसीव ऑक्सीजन। ठीक है, वहाँ से ऑक्सीजन रिसीव करके ये वापस लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर पूरी बॉडी में इस तरह से वो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो दीज आर द लंग्स, जहाँ से ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। व्हेन यू ब्रीद आउट यू आर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट योर बॉडी डजंट नीड। ठीक है, हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होती हैं, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारे लिए हार्मफुल होती है, और लंग्स जो होते हैं वो उसको बाहर निकालने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेस्टाइन्स। योर इंटेस्टाइन्स आर पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। इंटेस्टाइन्स किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। दे हेल्प यू टू डाइजेस्ट द फूड यू ईट एंड गेट रिड ऑफ फूड दैट योर बॉडी डजंट नीड। ठीक है, ये हमारी बॉडी में ये इंटेस्टाइन्स हैं, ये एक ये है, एक ये है। दिस वन इज स्मॉलर इंटेस्टाइन एंड दिस इज लार्जेस्ट इंटेस्टाइन्स। ये दोनों जो हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। जैसे ही हम फूड का इनटेक करते हैं तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस उसको घुमाता है, और जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो यहाँ पे स्मॉलर इंटेस्टाइन में आता है। यहाँ पे जो हमें एब्जॉर्ब करना होता है वो हम एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी बॉडी को जितनी खुराक चाहिए होती है, जो उसको नहीं चाहिए होती वो लार्जर इंटेस्टाइन में पार्सल कर देता है, वहाँ से फिर वो थ्रू एनस हमारी बॉडी से रिलीज हो जाती है।
देर आर टू इंटेस्टाइन, वन इज़ नोन एज द लार्जर लार्ज इंटेस्टाइन एंड अदर एज द स्मॉल इंटेस्टाइन. द इंटेस्टाइन्स आर लाइक ट्यूब्स और होजेस एंड दे आर कॉइल्ड अप टू फिट इन साइड योर बॉडी. ठीक है, सेम वही जो मैंने अभी आपको समझाया कि दिस इज़ योर स्मॉलर इंटेस्टाइन एंड दिस इज़ योर लार्जर इंटेस्टाइन्स, और ये आपकी बॉडी में कैसे फिट हुई होती हैं, दे आर कॉइल्ड अप टू फिट इन साइड अवर बॉडी. ठीक है जी. वन ऑफ द इंटेस्टाइन्स कैन बी 6 मीटर लॉन्ग इन एन एडल्ट. ठीक है, कोई भी जो इंटेस्टाइन होती है ये आपकी बॉडी में 6 मीटर तक लॉन्ग हो सकती है. जैसे ये हमारी स्मॉलर इंटेस्टाइन है ये 6 मीटर लॉन्ग होती है, और जो लार्जर इंटेस्टाइन है वो 1 मीटर लॉन्ग होती है. आप हैरान हो रहे होंगे कि जो 6 मीटर लॉन्ग है उसको स्मॉलर इंटेस्टाइन कह रही हैं और जो 1 मीटर लॉन्ग है उसको लार्जर इंटेस्टाइंस कह रही हैं. तो ये ऐसा ही है. क्यों? इसलिए इनको लार्जर इंटेस्टाइन और स्मॉलर इंटेस्टाइन कहते हैं कि बिकॉज ऑफ देयर साइजेस. ठीक है, उनकी लेंथ की वजह से नहीं उनको हम स्मॉल और लार्ज कहते हैं. इट इज़ वाइडर दैन दिस. ठीक है, जो लार्जर इंटेस्टाइन है वो वाइडर है स्मॉलर इंटेस्टाइन से, लेकिन जो लंबी है वो स्मॉलर इंटेस्टाइन है, वो 6 मीटर है और ये 1 मीटर है. कैन यू गैस विच वन इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, द 6 मीटर लॉन्ग वन और द 1 मीटर लॉन्ग वन? सी द आंसर ऑन द नेक्स्ट पेज. डज दैट मीन देर इज़ अ 6 मीटर होजिज इन साइड माई बॉडी? वाओ, योर इंटेस्टाइन आर आल्सो नोन एज योर बॉवल्स. ठीक है, इंटेस्टाइंस को बॉवल्स भी कहा जाता है. नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 10. दीज आर intestine, it is small intestine and large intestine, and this is our anus. Okay ji, here is the function of the intestine. The intestine take food from your stomach and transport waste to your anus, where it leaves your body. As the food travels along the intestine, it is broken down so that it is easy to get rid of. ठीक है, वही जो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस मैंने आपको पिछले पेज पे समझाया है वही यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपके स्टमक से फूड लेती है, और जो अब्जॉर्ब करना होता है, जो आपकी बॉडी को चाहिए होता है वो ये अब्जॉर्ब कर लेती है, और जो नहीं चाहिए होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन को पास कर देती है, जहाँ से वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है. ठीक है, ओके जी. नाउ द इंटेस्टाइन दैट इज 6 मीटर लॉन्ग इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड द इंटेस्टाइन दैट इज 1 मीटर लॉन्ग इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन. व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो? इट इज़ बिकॉज द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अलॉट वाइडर दैन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, इन्होंने बताया है ऐसा इसलिए है कि जो लार्जर इंटेस्टाइन है ये वाइडर यानी कि खुली होती है, चौड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से. ये देखिए किस तरह से ये हमारे स्टमक के साथ कनेक्ट है, और स्टमक से ये खाना ले रही है, और जो इसने अब्जॉर्ब करना है वो अब्जॉर्ब करेगी, और जो नहीं इसको चाहिए होगा वो हमारी बॉडी से रिलीज़ कर देगी. ओके जी, अब आ जाते हैं इसके कॉपी वर्क की तरफ. हेयर इट इज, बिल्कुल इस तरह से आप क्लास वर्क लिखेंगे, डेट लिखेंगे, मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, यूनिट 1 लिखेंगे द ह्यूमन बॉडी, टॉपिक 3 है लंग्स एंड इंटेस्टाइन, क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन 1 है व्हाट हैपेंड व्हेन यू ब्रीथ इन एंड आउट. आंसर, व्हेन वी ब्रीथ इन आवर लंग्स get bigger as they take in oxygen and we breathe out carbon dioxide that our body doesn't need. Question 2 है, what role do the intestine play in the digestive system? Answer है, the intestine take food from our stomach and transport waste to our anus. Question 3 है, how intestine are fit in human body? आंसर है, देर आर टू इंटेस्टाइंस इन आवर बॉडी, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइंस. दीज आर लाइक ट्यूब्स और होजेज एंड कॉइल्ड अप टू फिट इन साइड द बॉडी. ओके जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे. फिल इन द ब्लैंक्स, द लेफ्ट लंग इज डैश दैन द राइट लंग. तो क्या है, लेफ्ट लंग इज द स्मॉलर then the right lung. The heart and the lungs are protected by rib cage.
वी ब्रीद इन अबाउट डैश लीटर्स ऑफ एयर एवरी डे, कितने लीटर एयर हम तकरीबन यूज़ करते हैं डेली, 10,000 लीटर। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी डैश टू अवर बॉडी, हार्मफुल। अवर लार्ज इंटेस्टाइन इज 1 मीटर लॉन्ग एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6 मीटर लॉन्ग। बेटा ये भी ब्लैंक है, ओके। लार्ज इंटेस्टाइन इज डैश देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर। इंटेस्टाइन आर ऑल्सो नोन एज बॉवल्स। लंग्स हेल्प टू स्प्रेड डैश थ्रू आउट द बॉडी, क्या स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन। ओके जी, ये आपका जो है क्लास वर्क था। इसके अलावा होमवर्क आपका क्या है कि आप क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे लंग्स की पिक्चर। आपके पेज बुक के सामने जो एम्प्टी पेज है टॉपिक 3 के साथ, आपका होमवर्क है कि आपने ये पिक्चर ड्रॉ करनी है। ओके जी, थैंक यू सो मच।